लक्ष्मी कभी भी ऐसे आदमी के पास जाती ही नहीं है जो मानसिक रूप से कमजोर होता है। पावर की बात हम कर रहे थे, पावर, ज्ञान, बुद्धि, जिसके पास ये तीनों नहीं है। पावर किस चीज का? पावर मतलब बलि नहीं है, वो डंबल वाला पावर नहीं, मानसिक पावर। चार लोग क्या 400 लोग कुछ बोल दें, यकीन नहीं करूंगा मैं। अपनी ताकत पर भरोसा है, कोई नहीं कर पाया, मैं करके दिखाऊंगा ना, बाप बन के दिखाऊंगा दुनिया का, मैं करके दिखाऊंगा। फेलियर ऑफ कमिटमेंट पहला बाधा आएगी जी। दूसरा बाधा आएगी आपके सामने डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन की बाधा का मतलब भटकाओ, मन का भटकाओ। देखो जो लोग कहते हैं ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो गोल तो हम बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फेसबुक के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। तुम जिंदगी भर चक्कर में पड़े रहोगे, तुम्हारा कुछ होने जाने का ही नहीं है। चक्कर वाला आदमी देखो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में वही आदमी आता है ना जो खाली है। प्रिंसिपल बता देता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड आदमी वही हो सकता है जो खाली आदमी है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। भगवान राम जब सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, सेना उन्हें बना रहे थे, सुग्रीव से तो उनकी मुलाकात हो गई थी और सुग्रीव से बाली वाली की लड़ाई हो गई थी, तो बाली को तो इन्होंने राम जी ने निपटा दिया था। अब सुग्रीव बन गया था राजा और सुग्रीव पूरा कमिटेड था राम जी को सीता से मिलवाने के लिए, रावण से लड़ने के लिए। अब बात ये आई थी कब पुल बनाना है, वो जो राम से तो पुल बनना है, बारिश का टाइम होने का चला था, तो राम जी ने बोला भैया बारिश का टाइम शुरू हो गया, तो बारिश के टाइम में ये पुल बन नहीं पाएगा और 3 महीना ये रहेगा बारिश का टाइम। एक काम करो सुग्रीव, जाओ अपने राजमहल में थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो, मेरा तो भैया 14 साल का वनवास है, मैं तो जंगलों में ही रहूंगा, जाओ 3 महीने के लिए जरा रेस्ट कर लो, तुम बहुत थक गए तुम भी। सुग्रीव ने बोला ठीक है 3 महीने रेस्ट कर लेता हूँ जरा। सुग्रीव गया उधर महल में और 3 महीने में भाई साहब शराब शवाब जितने गलत काम होते हैं पड़ गया, एकदम नाच चल रहा है अप्सराओं का नाच, शराब राब भोग में लेटे पड़े हैं। पता चले राज चलाएंगे क्या भाई साहब, वो शराब के नशे में धुत है, लेटे हैं नाली उली में पड़े हुए हैं। 3 महीने बीतने के बाद लक्ष्मण आए, लक्ष्मण देखा ये सब खेल चल रहा है, भाई साहब ये हमारी मदद क्या बने करेगा, ये तो इसी में घुस गया है। तो लक्ष्मण ने फटकारा सुग्रीव को, बोला कि भाई इसीलिए तुम्हारा तुम्हारे को राजपाट हम दिलवाए थे क्या, बाली को मारे थे क्या भैया ने, तुम्हारा रुको भी खेली खत्म करते थे, बांध खींचने लगे खेली खत्म करते थे। सुग्रीव को एकदम तुरंत गलती का एहसास हुआ, अरे भैया रुको रुको गलती होगी, अब नहीं करेंगे, गलती होगी, 3 महीने में भोग विलास में चला गया था, अब नहीं करूंगा। क्यों भोग विलास में वो जा पाया? क्योंकि खाली समय मिल गया उसको। जब तक वो राम के साथ था एक लक्ष्य के लिए वो लगा हुआ था, काम कर रहा था कि माँ सीता को लाना है, रावण से लड़ना है, उसमें लगा पड़ा था, लगा पड़ा था, लगा पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसको आराम मिला, जैसे ही उसको समय मिला, डिस्ट्रैक्ट होकर के भोग विलास में चला गया वो। सर वही आदमी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास समय है डिस्ट्रैक्ट होने का। आप अगर मुझे कभी कहोगे ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं समझ जाता हूं अरे निकम्मा आदमी, खाली आदमी, इसके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, काम में लगा नहीं रहता। जब काम में लगोगे नहीं, खाली रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो गए होगे। तो इसी तरीके से दिन भर अगर काम में लगे रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे कब? डिस्ट्रैक्ट वही आदमी हो सकता है जो खाली है, जो खाली नहीं है, डिस्ट्रैक्शन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तीसरी बाधा सुनो, दिशाविहीन। दिशाविहीन होना सबसे बड़ी बाधा है भैया। जिस आदमी को दिशा मिल गया ना वो आदमी फिर खेल जाता है, और जिस आदमी के पास दिशा नहीं है वो जिंदगी भर घूमता रहता है। देखो ज्ञान के मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिशा मिल जाएगा। अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ पा लोगे, जिंदगी में आप सफल हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सिर्फ ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद आपके पास दिशा है कि नहीं, इस ज्ञान को आप कहां इस्तेमाल करोगे, इसकी क्लैरिटी, इसका डायरेक्शन आपकी लाइफ में अगर है, आप कामयाब हो जाओगे। इस ज्ञान को उठाया, यहां से ज्ञान लेकर गए, वहां इस्तेमाल कर दिया, उड़ेल दिया पूरा, लग गए इंप्लीमेंटेशन में, खेल कर दोगे फिर आप। लेकिन अगर दिशा ही नहीं है तो इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कहां करोगे आप? कभी करे नौकरी कर लेता हूं, कभी ये काम कर लेता हूं, कभी इधर कर लेता हूं, कभी 2 लेग, कभी 4 लेग, कभी 3 लेग, कभी ये, कभी वो, ज्ञान सारा बह जाएगा, इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। अर्जुन ने आंख की पुतली भेजी थी ना स्वयंवर के लिए, 5 पांडवों को बराबर शिक्षा दी थी द्रोण द्रोणाचार्य ने, ज्ञान तो सबको बराबर दिया था, लेकिन भीम को पूरा गाच वाच आम हम सब दिख रहा है, किसी को पूरा बगीचा दिख रहा है, किसी को पूरी मछली दिख रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन भेद कौन पाया? अर्जुन। ज्ञान तो सबको बराबर दिया जा रहा था लेकिन अर्जुन ही भेद पाया, क्योंकि अर्जुन का भैया दिशा फिक्स था कि मुझे तो धरती का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। ये दिशा उसका फिक्स था, ये दिशा भीम के पास नहीं था कि मुझे धनुर्धर बनना, ये युधिष्ठिर के पास नहीं था, ये नकुल नकुल सहदेव के पास नहीं था, तो ज्ञान दिया द्रोणाचार्य ने, लेकिन उस ज्ञान को वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन ये भाई साहब इनको ज्ञान मिल गया तो खेल गए, आंख का पुतली में धड़ाम एक ही बार में। अभी जितने भी लोग सेशन में है ना, ज्ञान तो सबको बराबर मिल रहा है ना, लेकिन इसमें 1-2% निकलेंगे जो खेल जाएंगे, बाकी ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट। दिशा नहीं है ना, दिशा विहीन आदमी समुद्र में, वो जो बड़ा बड़ा जहाज होता है समुद्र में, कोई रास्ता तो दिखता नहीं है, वो कंपास के भरोसे चलते हैं, वो उनके पास मशीन होता है, वो उनको रास्ता बताता रहता है किधर जाना है तुझे। वो अगर खो गया ना, वो अगर नहीं रहा ना उनके पास, जिंदगी भर वो समुद्र में घूम करके जहाज मर जाता है। ऐसे कितनी बार कितने कांड है, जहाज को दिशा नहीं मिला, समुद्र में डूब के मर गया, वो इंजन फ्यूल व्यूल खत्म हो गया, क्या करेगा जब फ्यूल खत्म हो गया, उसको तो मरना ही है, दिशा खत्म हो गया, दिशा से भटक गया। ऐसे हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, एरोप्लेन, ऊपर रास्ता तो दिखता नहीं है, वो भी एक उसके थ्रू चलता है, कुछ तो कहते हैं उसको,
वो अगर गुम हो गया फिर तो हवाई जहाज घूमते 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 खेल खत्म हो जाएगा उसका। इंसान के साथ भी यही है, जिस आदमी के जीवन में दिशा नहीं है वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा बोलना आता हो, कितना भी अच्छा उसको प्लान करना आता हो, जितना भी अच्छा सेल करना आता हो, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता वो। सीता जी को जब ढूंढने के लिए निकले थे ना राम, सीता का जब हरण हुआ था तो राम सबसे ज्यादा परेशान किस लिए थे मालूम? कि ये जो रावण उठा करके लेके गया है, किस दिशा में लेके गया है यही उनको पता नहीं चल रहा था। दर बदर भटकते जा रहे हैं, अरे तुमने देखा है किस दिशा में ले गया, तुमने देखा है किस दिशा में ले गया, कभी जटायु मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, सबसे पूछ रहा है दिशा बताओ भाई किस दिशा में लेके गया ये बताओ, वो दिशा पूछ रहे थे क्योंकि उनको पता था दिशा पता चल गया तो फिर तो मैं खेल कर दूंगा, मार ही डालूंगा, दिशा ही नहीं समझ आ रहा। बाद में पता चला भैया लंका रावण ले गया है, अब समझ में, अच्छा दिशा, फिर दिशा पता चल गया, आदमी खेल कर दिया।